आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आज का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन बेटा, मोल फ्रैक्शन का मतलब है टोटल मोल में से आपके मोल कितने हैं। मोल फ्रैक्शन के दो टाइप हो जाते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक बात याद रखना बेटा, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है x। क्या सिंबल होता है? x। अगर आप सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो x के नीचे b लिखेंगे। मैंने आपको बताया भी था b वर्ड लगाते हैं सॉल्यूट के लिए, ए वर्ड लगाते हैं सॉल्वेंट के लिए और एस वर्ड लगाते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या है? एक्स, और ये सॉल्यूट है तो बी, इसका हो गया एक्स और ये सॉल्वेंट है तो ए। तो दो टर्म हो गए एक्स बी एंड एक्स ए। क्या क्या हो गए बोलो? एक्स बी एंड एक्स ए। एक्स बी निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो सॉल्यूट के मोल यानी एन बी अपॉन सॉल्यूशन के मोल। सॉल्यूशन के मोल का मतलब क्या हुआ? एन एस। और ओपन करो, सॉल्यूट के मोल एन बी, सॉल्यूशन के मोल का मतलब हुआ सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। तो यहां से आपने देखा मोल फ्रैक्शन एक्स बी का क्या फॉर्मूला बना, एक्स बी इक्वल टू सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। ये फॉर्मूला बना एक्स बी का, ठीक। अब एक्स ए सोचो, एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। सॉल्वेंट के मोल का मतलब एन ए, सॉल्यूशन के मोल का मतलब एन बी प्लस एन ए, है ना। तो यहां से एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए। तो आप अगर इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आप मोल फ्रैक्शन किसका निकाल लोगे? सॉल्यूट का। और इसका यूज करोगे तो मोल फ्रैक्शन किसका निकल आएगा? सॉल्वेंट का। फॉर्मूला नंबर वन है और ये टू है, ठीक। अगर आप फॉर्मूला नंबर वन यूज कर रहे हो तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकलेगा, और टू यूज कर रहे हो तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकलेगा। तो प्यारे बच्चों दो फॉर्मूले हैं, एक है एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इससे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। एक है एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, इससे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का। अब बात आती है कि सर मोल फ्रैक्शन निकाले कैसे, प्रैक्टिकल तरीका बताइए, ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस पर एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं, ठीक है बेटा, जिससे आपको मोल फ्रैक्शन का टर्म अल्ट्रा क्लियर। और एक बात और याद रखना बड़े काम की, कि हमेशा एक्स ए प्लस एक्स बी का सम वन होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी का सम हमेशा कितना होता है? वन। ये याद रखना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वन। आप कहोगे ये तीन बातें हो गई, एक दो और ये तीन, इनको दिमाग में फिट कर लो और नोट कर लो। सामने से हट रहा हूं, नोट कर लीजिए, फिर उस पर न्यूमेरिकल कर रहा हूं। नोट कर लिया है, ठीक। अब चलिए न्यूमेरिकल से बात को समझते हैं। वो कहता है कि आप चीनी को पानी में घोल लें। किसको बोलो? चीनी को किसमें घोल रहे हैं? पानी में, ठीक। चीनी को किसमें घोल रहे हैं? पानी में। तो क्वेश्चन है, इफ 18 ग्राम ऑफ शुगर, या 18 ग्राम ऑफ शुगर नहीं करो, ग्लूकोज, ग्लूकोज दिया है। इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। क्या क्वेश्चन में कह रहा है?
कह रहा है अगर 18 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में घोला जाए तो बताओ ग्लूकोज और पानी का मोल फ्रैक्शन कितना कितना होगा। अब यहां पे आंसर देने से पहले एक बार समझ लो, यहां पर ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट, पानी क्या है, आंसर पानी क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट कौन है, पानी। ग्लूकोज कितना है 18 ग्राम और पानी कितना है 90 ग्राम। अब मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला क्या होगा सॉल्यूट के लिए, XB इक्वल टू NB ओवर NA प्लस NB या NB प्लस NA लिख लो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, NB प्लस NA या NA प्लस NB एक ही बात है, ठीक है। अब चलो मोल, NB मोल का मतलब क्या होता है बेटा, मोल का मतलब मास ओवर मॉलिकुलर मास, क्या बोलो, मास ओवर मॉलिकुलर मास। अगर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें C6H12O6 है, 6 कार्बन, एक कार्बन की वैल्यू 12, 12 हाइड्रोजन, एक की वैल्यू 1, 6 ऑक्सीजन, एक की वैल्यू 16, सॉल्व करो 72 प्लस 12 प्लस 96, पूरा एडिशन कर लो 180, तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास कितना है 180, ठीक, ये हटा दूं। अब मोल क्या होता है, मोल का मतलब मास ओवर मॉलिकुलर मास, तो ग्लूकोज का मास कितना है 18 और मॉलिकुलर मास 180, ये हो गया आपका NB। नीचे चलो NB 18 ओवर 180, NA पानी कितना है 90 और पानी का मॉलिकुलर मास, पानी का फॉर्मूला H2O H2O 1160, तो पानी का मॉलिकुलर मास कितना है 80, सही है। तो देखो भाई पानी की मॉलिकुलर मास की जगह 80, बेटा मोल का मतलब क्या होता है मास ओवर मॉलिकुलर मास, तो यहां पे मास ग्लूकोज का अपॉन मॉलिकुलर मास ग्लूकोज का, यहां पे मास ग्लूकोज का अपॉन मॉलिकुलर मास ग्लूकोज का, यहां पे मास पानी का अपॉन मॉलिकुलर मास पानी का, कैंसिल करो इससे कितनी बार गया 0.1, नीचे कितना है 0.1 और ये इससे 5 टाइम, कितना आ गया 0.1 अपॉन 5.1, ये हो गया इसका। तो ये XB निकल आया, कितना निकल आया 0.1 अपॉन 5.1, यहां तक नोट करो जरा जल्दी से, कर रहे नोट। तो यहां से हमने देखा, थोड़ा सा ऊपर का पार्ट मिटा लें, यहां से हमने देखा कि आपने XB निकाल लिया, XB की वैल्यू कितनी आई बेटो 0.1 अपॉन 5.1, सॉल्व कर सकते हैं आगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बात आई कि सर आपको तो एक काम और करना था, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना था, पानी का भी निकालना था, तो बेटा इसे सॉल्व कर लो, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा लो तो ये हो गया 1/51, पॉइंट लगाया 10 हो गया, जीरो लगाया तो ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो लगाओगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा पॉइंट कितना 199 लगभग 0.0199, ठीक। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन किसका, XB का। अभी मैंने बताया था XA प्लस XB कितना होता है 1 होता है, आपने XB निकाल लिया है कितना 0.0199, तो XA इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस XB, तो 1 माइनस 0.0199, ठीक, याद आ गए। अभी बच्चा कहेगा सर 0.0199 लिखा है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा सही लिख लें तो आप इसे लगभग 0.02 भी कह सकते हैं, ठीक। तो अगर आप इसको 0.02 मान लें तो हो गया 1 माइनस 0.02, डेट इज 0.98। तो आपने देखा मोल फ्रैक्शन किसका निकल आया, सॉल्वेंट का, और ऊपर मोल फ्रैक्शन किसका निकल आया था, सॉल्यूट का। XB की वैल्यू कितनी आई थी बोलो आपकी 0.02, तो ये आंसर हो गया XB का और ये आंसर हो गया XA का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों इस क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके दिखा दिए, नोट कर लें। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको इस वीडियो में बताया मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के दो टाइप होते हैं XB और XA,
उन दोनों के फॉर्मूले बताए एक्स बी और एक्स ए के, और ये भी बताया एक्स बी प्लस एक्स ए हमेशा वन के इक्वल होता है। फिर उस पर न्यूमेरिकल करके मैंने आपको मोल फ्रैक्शन निकालना इस वीडियो में सिखाया। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको मोल फ्रैक्शन टॉपिक अल्ट्रा क्लियर हो गया होगा। फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।